हेलो। तो गाइस देख सकते हैं, हमने रेस्क्यू कर लिया है। हैं ये रेड स्नेक है, टोगरी में बैंस बोलते हैं। हम आए हैं उदुबाल है, जाली फैक्ट्री है, इधर उस गली में आए हुए हैं। देख सकते हो ये स्नेक है, रेड स्नेक। बिना वाइनेस होता है, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। तो अगर मतलब किसी को वाइट वगैरह होता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उधर एंटीडोट वगैरह होती है, तो उधर ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो और चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो इंसान की मृत्यु टल सकती है, तो अगर लापरवाही करोगे तो तभी इंसान मृत्यु हो सकती है। लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। इंसान को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचने की प्रयास करना चाहिए। तो अगर किसी को वाइट होता है, सरकारी हॉस्पिटल ही जाइए। तो हम क्या करते हैं, स्नेकों को पकड़ते हैं, रिलीज वगैरह कर देते हैं फॉरेस्ट में। नहीं तो वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, तो वो भी रेस्क्यू करते हैं। उनका काम ही होता है रेस्क्यू करना, तो वो भी फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हैं। वो फॉरेस्ट वाले मतलब वाइल्ड लाइफ वाले फॉरेस्ट में। तो हम स्नेकों को बचाने का काम करते हैं, तो कृपा करिए इनको मारिए मत, इनको बचाने का काम कीजिए। हम क्या करते हैं, स्नेकों को बचाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भी रिलीज कर देते हैं और रेस्क्यू करते हैं। हम भी फॉरेस्ट एरिया में कहीं जंगल वगैरह होता है, उधर रिलीज कर देते हैं, जहाँ घर घुर नहीं होते हैं। तो हम इनको बचाने का काम करते हैं। तो हम लोग इनको देवता वगैरह मानते हैं, इसलिए हम नहीं मारते हैं। कोई किसी ने भी नहीं मारना चाहिए, इनमें भी जान होती है। अगर मारोगे, नाग हत्या, नाग दोष वगैरह लगता है। तो हिंदू शास्त्र में हम इनको देवता मानते हैं, और भोले शंकर की गले की शोभा है ये। तो देख सकते हो ये रेड स्नेक है, 4.5 फुट का है, 4.5-5 फुट है। ये मादा स्नेक है। तो आजकल सीज़न है स्नेकों का, गर्मी होती है, गर्मी में निकलते हैं, बरसात लगती है, तो ये सूखे में आते हैं। और खाने के चक्कर में ज़्यादा ये चूहे पसंद करते हैं स्नेक, तो मेंढक शेंढक भी खा लेते हैं, मतलब खाने की तलाश में घरों में आ जाती हैं ये। तो और सूखे में चढ़ने की कोशिश करते हैं ज़्यादा। तो देख सकते हो ये स्नेक है, अगर बाइट भी करता है, बिना वायनेस है, अगर बाइट भी होता है, इंसान को कुछ नहीं होते। सांपों के बारे में बंदे को जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी होगी तो किसी और को भी जानकारी देनी चाहिए। जो ज्ञान अपने पास हो, दूसरे को देना चाहिए। इंसान के साथ ज्ञान नहीं जाता है, इंसान को ज्ञान बांटना चाहिए किसी और के साथ भी। तो देख सकते हो ये स्नेक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलीज कर देंगे फॉरेस्ट एरिया में। जे अंकल जी खड़े हैं, भैया जी। तो जे जे इन्होंने फ़ोन किया था हमको, तो हम आए थे उदवाले, अकेले आया था, कोई नहीं था लड़का मेरे साथ आज। वो दरअसल कहीं गया था, तो आज अकेले ही आया था। तो देख सकते हो स्नेक बैठा हुआ है, देखो। तो उसको पानी वगैरह पिला रहे हैं, मतलब पानी पीने के लिए दे रहे हैं। तो मतलब ये इसको भी गर्मी लग रही है, पता नहीं कब से घुसा हुआ था लकड़ियों के अंदर। तो बोल रहे थे पहले भी एक दो बार घुसा है, तो इन्होंने मारे बहुत सारे स्नेक मारे हुए हैं पहले भी। तो मगर मारना नहीं चाहिए जी। इन्होंने क्या किया, 2-3 बार निकला होगा पहले भी, इन्होंने पहले भी कोई मार दिया स्नेक बोलते हैं। तो इनको मतलब इनके घर में पहले कोबरा भी निकला था, वो भी मैंने रेस्क्यू किया था। वो भी 3-3.5 फुट का था, तो नाइट को किया था रेस्क्यू उनके घर में। तो देख सकते हो, तो हम इसको रिलीज कर देंगे बाद में इसको। तो मगर बाइट जे भी करता है, बाइट तो हर एक स्नेक करता है, इनका काम ही होता है, अपनी जान बचाने के लिए सब बाइट करते हैं। तो हम रिलीज करने जाएंगे अब। तो देख सकते हो हम रिलीज करने आ गए हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगती है, हिमरा रेक्स्यू 09। जय माता दी, जय शिवे, जय भावे, जय कुल देवता बाबा कालीवीर जी।